हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को एसटी लाइन और एलटी लाइन के बारे में बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि सर एसटी लाइन और एलटी लाइन क्या होता है, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बना दिया एसटी लाइन और एलटी लाइन, ताकि आपके जो भी थोड़ा बना डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसटी और एलटी लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसटी लाइन का फुल फॉर्म होता है, एच का मतलब हो गया हाई और टी का मतलब हो गया टेंशन। मतलब एसटी का फुल फॉर्म हो गया हाई टेंशन और एलटी का हो गया लो टेंशन लाइन, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर एक टर्म आ रहा है टेंशन। हर चीज में देखिए आप, एसटी है तो हाई टेंशन, एलटी है तो लो टेंशन, तो ये एक्चुअली ये टेंशन है क्या, इसे समझना पड़ेगा तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो हाई टेंशन, चलिए देखते हैं टेंशन का मतलब क्या होता है। तो ये टेंशन वर्ड जो है ये आपका फ्रेंच डिक्शनरी से निकाला गया है। इसका फ्रेंच डिक्शनरी में इस शब्द का यूज किया हुआ है और इसका मतलब होता है वोल्टेज। तो ये फ्रेंच वर्ड है टेंशन और जिसका मीनिंग होता है वोल्टेज। जैसे कि आपका यहां पर एसटी लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन लाइन, तो आप इसको बोल सकते हो हाई वोल्टेज लाइन। टेंशन को आप वोल्टेज, ठीक है। तो क्या हो गया आपका हाई वोल्टेज लाइन, मतलब एसटी लाइन के बारे में बात हो रही है। लो वोल्टेज लाइन मतलब एलटी लाइन के बारे में बात हो रही है। तो समझ गए ये चीज आप कि हाई टेंशन लाइन इज ऑल्सो नोन एज हाई वोल्टेज लाइन, क्योंकि टेंशन का मतलब जो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है टेंशन, इसका मतलब ही होता है वोल्टेज। तो कहीं पर भी आपको कोई बोले हाई वोल्टेज लाइन या लो वोल्टेज लाइन, तो आप समझ जाना कि एसटी और एलटी के बारे में बात हो रही है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज रेंज कितना होना चाहिए। जो आपके हाई टेंशन लाइन है या एलटी लाइन या एसटी लाइन है, तो इसका वोल्टेज रेंज कितना वोल्ट, कितना तक से कितना वोल्टेज तक रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम एलटी लाइन और या एसटी लाइन। चलिए ये डॉट भी बहुत लोगों का क्लियर कर दूंगा मैं आज। चलिए लो टेंशन लाइन, लो टेंशन लाइन अगर जिसका वोल्टेज होगा 1000 वोल्ट से कम होगा, मतलब 1 केवी से कम होगा, उसको बोलेंगे लो टेंशन लाइन। याद रखना दोस्तों, 1000 वोल्ट से अगर कम होगा वोल्टेज तो उसको बोलेंगे लो वोल्टेज लाइन। जैसे कि इंडिया में देखा जाए एलटी सप्लाई जो हो रहा है हमारा, चाहे वो 440 या 400 वोल्ट, ठीक है, या 230 वोल्ट भी सप्लाई हो रही है, दो एलटी सप्लाई हो रही है अपने इंडिया में। तो अगर 440 वोल्ट है तो आपका थ्री फेज कनेक्शन है, मतलब जिनके पास थ्री फेज कनेक्शन होगा उसका जो एलटी सप्लाई होगा वो कितना होगा, 440 वोल्ट। अगर आपका सिंगल फेज कनेक्शन है तो 230 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे हमारे घर में सिंगल फेज कनेक्शन है तो मैं कितना, मेरे घर में कितना एलटी सप्लाई आ रही है, 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और जिसका थ्री फेज कनेक्शन है उसका 440 वोल्ट आपका एलटी सप्लाई आ रही है। अब ये आपको क्लियर हो गया एलटी लाइन से थोड़ा बना कंफ्यूजन, आपको जो भी होगा दिमाग में थोड़ा क्लियर हुआ होगा। चलिए आप देखते हैं हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन किसको बोलते हैं, 11000 वोल्ट या 11 केवी लाइन या उससे ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। अब 11000 वोल्ट जो आपका है और उससे ऊपर मैंने कहा कि हाई टेंशन लाइन, तो कितना तक इसका भी रेंज होना चाहिए। जैसे यहां तक क्या था, चलिए ठीक है 1000 वोल्ट से नीचे रहेगा तो मैं उसको बोलूंगा लो टेंशन लाइन। तो इंडिया में हमारा जो भी एलटी लाइन, जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आ रही है वो 230 या 440 आएगी, तो आपकी एलटी लाइन हो गई। बट एसटी लाइन मैंने कहा 11000 वोल्ट या उससे ऊपर वाली लाइन, तो कितना तक, 33 केवी तक बोलेंगे या 66 तक, 130, तो कितने तक के वोल्टेज को हाई टेंशन लाइन बोलेंगे। चलिए देखते हैं, हाई टेंशन लाइन जो होता है वो अप टू 33 केवी तक की लाइन को क्या बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन, एसटी लाइन बोलते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टूडेंट आरई में काम कर रहे होंगे वो बोल रहे होंगे सर मैं एसटी लाइन में काम कर रहा हूं। एसटी लाइन में काम करने का मतलब आपके दो जो चीजें दिमाग में आ रही होगी, या तो वो 11000 में काम कर रही होगा या 33 केवी में काम कर रहा होगा, है ना। तो आपको डॉट क्लियर हो गया कि अगर एलटी लाइन क्या होती है, 1000 वोल्ट तक से कम लाइन होगा तो उसको बोलेंगे लो टेंशन लाइन, अगर 11000 वोल्ट से ऊपर और 33 केवी तक की रेंज में होगा तो क्या बोलेंगे, हाई टेंशन लाइन बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर अगर 33 केवी लाइन से ऊपर वाली लाइन को क्या बोलेंगे फिर, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ईएसटी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, या एक्स्ट्रा हाई टेंशन, टेंशन की जगह वोल्टेज भी रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या हो गया ईएसटी लाइन, है ना। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 33 केवी से ऊपर वाली लाइन को क्या बोलेंगे,
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो तीन टर्म हम लोग देख लिए, एल टी, एच टी और ई एच टी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंसुलेटर यूज करते हैं एल टी लाइन में और एस टी लाइन में। एस टी लाइन की बात करें, मतलब हाई टेंशन लाइन की बात करें या हाई वोल्टेज लाइन की बात करें, तो वहां पर मेनली दो टाइप के इंसुलेटर यूज हो रहे हैं। 11 केवी पिन इंसुलेटर जो आपको दिख रहा है यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि आपका क्या है, 11 केवी पिन इंसुलेटर है, तो ये पिन इंसुलेटर यूज होता है। अगर 33 केवी की लाइन की पिन इंसुलेटर हो तो क्या होगा, ये साइज में बड़ा होगा, ठीक है। और डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं हम लोग, ये दिख रहा हो डिस्क इंसुलेटर, ये 11 केवी डिस्क इंसुलेटर है। अगर 33 केवी की लाइन होगी तो वहां पर तीन को डिस्क इंसुलेटर होगा। तो आपको समझ में आ गया कि हाई टेंशन लाइन में कौन से इंसुलेटर यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि एसटी लाइन में कौन से इंसुलेटर यूज करते हो आप। तो आपको बताना है सर 11 के भी पिन इंसुलेटर यूज करता हूं और डिस्क इंसुलेटर यूज करता हूं, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि एलटी लाइन में, लो टेंशन लाइन में कौन से इंसुलेटर यूज करते हो, तो आपको बोलना है सर 1.1 केवी का पिन इंसुलेटर यूज करता हूं और सेकल इंसुलेटर यूज करता हूं। तो ये आपका 1.1 केवी पिन इंसुलेटर है और ये आपका सेकल इंसुलेटर है, ठीक है। और एक स्टूडेंट बार बार पूछे थे सर जब एलटी लाइन में हम लोग पिन इंसुलेटर यूज कर सकते हैं तो सेकल इंसुलेटर क्यों यूज करते। देखिए दोस्तों, ये दोनों का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप जो पिन इंसुलेटर है सिर्फ आप इसको कैसे घिस सकते हो, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग कर सकते हो कोई भी कंडक्टर को, बट इसका फायदा ये है दोस्तों कि आप इसको एलटी को क्या कर सकते, एलटी लाइन को आप हॉरिजॉन्टल भी घिस सकते हो और वर्टिकल भी घिस सकते हो, ये इसका फायदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ के इसे यूज करूं, ऐसा नहीं है। तो जहां पर मुझे एप्लीकेशन जैसा मिलेगा वैसा यूज करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखना है मुझे कि मैंने इंसुलेटर देख लिया कि एसटी लाइन और एलटी लाइन में कौन सा इंसुलेटर यूज होगा। अब देखेंगे कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं एसटी और एलटी लाइन में, तो ये सब आप इसको कंपेयर करके आप एसटी लाइन और एसटी लाइन के बारे में जान सकते हो। चलिए देखते हैं आप कंडक्टर कौन सा यूज करते हैं। कंडक्टर की बात की जाए तो हाई टेंशन लाइन में जो सबसे ज्यादा जो कंडक्टर 11 केवी लाइन में यूज होती है वो रैबिट कंडक्टर यूज होती है, याद रखिए दोस्तों। रैबिट कंडक्टर जो है सबसे ज्यादा, अगर सबसे बढ़िया कंडक्टर, चीफ और बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है 11 केवी लाइन के लिए, तो वो है सबसे बढ़िया कंडक्टर रैबिट कंडक्टर। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखे तो 50 स्क्वायर एमएम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 157 एम्पेयर। मैंने सारे कंडक्टर के बारे में बताया, चाहे जो भी कंडक्टर हो, रैबिट कंडक्टर, उल्फ कंडक्टर, स्क्वायरल कंडक्टर, बहुत सारे कंडक्टर के बारे में मैंने यूट्यूब पे डाला हूँ। आप मेरे वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो, एसीएसआर कंडक्टर के नाम से वीडियो है, वहाँ पर आप बहुत सारे कंडक्टर के बारे में जानोगे और बहुत अच्छा अच्छा आपको नॉलेज वहाँ पर मिलेंगे। चलिए लो टेंशन लाइन में सबसे ज़्यादा और चीफ और बेस्ट कौन सा कंडक्टर होगा, तो वो होता है स्क्वायरल कंडक्टर। कौन सा यूज़ होता है दोस्तों, स्क्वायरल कंडक्टर, और इसका जो साइज़ होता है 20 स्क्वायर एमएम का और इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 89 एम्पीयर। अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर वीजल कहाँ यूज करेंगे, ये कहाँ यूज करेंगे, सारे यूज होते हैं, अभी मैं थोड़ा सारा आपको बता देता हूं। बट अगर परफेक्ट बोला जाए, चीफ और बेस्ट सबसे बढ़िया कंडक्टर 11 केवी लाइन के लिए, तो ये रैबिट हो गया। और अगर आपका पूछ दे एलटी लाइन के लिए सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा होगा, तो आपका स्क्वायरल कंडक्टर होगा चीफ और बेस्ट। अब एलटी लाइन में और भी बहुत सारे यूज करते हैं, वीजल भी यूज कर देते हैं कभी कभी। वीजल कंडक्टर ऐसा है दोस्तों कि मैंने दोनों में काम किया हूं, मैं एलटी लाइन में भी काम किया हूं, एसटी लाइन में भी काम किया हूं। तो बहुत लोग होंगे जो एसटी लाइन में भी यूज किए होंगे ना, एलटी लाइन में भी यूज किए, अगर जो नहीं किए हैं तो इन फ्यूचर आप यूज करोगे तो आप समझ जाओगे, तो कर सकते हैं। बट ये बेस्ट है रैबिट कंडक्टर हाई टेंशन लाइन के लिए, और स्क्वायरल कंडक्टर जो है एलटी लाइन के लिए बेस्ट है। और एक आता है डॉग, डॉग भी आप यहां पर भी यूज कर सकते हो, कहीं कहीं पर 11 केवी में यूज किया था, बट वो जो है, अगर डॉग कंडक्टर की बात की वो किसके लिए परफेक्ट है, तो वो 33 केवी लाइन हो तो डॉग जो है सबसे बढ़िया कंडक्टर है। तो रैबिट जो है आपका 11 केवी के लिए सबसे बेस्ट, स्क्वायरल आपका 230-440 के लिए सबसे बेस्ट, और आपका जो है वीजल जो आता है ये दोनों बीच में आ जाता है, इंटरमीडिएट पे आ जाता है, तो आप कहीं पर भी यूज करते जैसा रहा वैसा यूज कर लिए। बट डॉग भी कभी कभी यहां पर यूज करते, बट डॉग अगर परफेक्ट बोला जाए तो सबसे अच्छा डॉग जो होगा वो 33 केवी लाइन के लिए होगा। तो हम लोगों ने देख लिया इंसुलेटर, देख लिया ये, देख लिया। अब एक चीज और दिख रहा है कि कितने कंडक्टर होते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होते हैं एसटी लाइन एल टी लाइन में। अगर एसटी लाइन अगर आपका है, हाई टेंशन लाइन है, तो उसमें कितने कंडक्टर होते हैं, तीन कंडक्टर होते हैं, सिर्फ तीन कंडक्टर होते हैं, वो आर वाई बी तीनों फेस के, जो आर और वाई और बी फेस के तीन कंडक्टर यूज होते हैं। बट अगर यहां पर कंपेयर करें एल टी लाइन में, लो टेंशन लाइन में, तो यहां पर चार कंडक्टर होते हैं, तीन फेस के, आर वाई बी और एक न्यूट्रल के होते हैं। अब कोई बोलेंगे सर नहीं पांच होते, तो पांच भी होते हैं, पांच कैसे होंगे, अगर आपका तीन फेस हो गया तो आपका एक स्ट्रीट लाइट के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा और एक न्यूट्रल के लिए, तब जाके पांच होगा। बट आपको ज्यादातर आपको दिखने को मिलेगा
रूरल एरिया में आपको थ्री फेज फोर वायर, तीन फेस हो गया और एक एक्स्ट्रा जो होता है वो न्यूट्रल के लिए। तो कहीं पर पांच होगा तो वो आपको टाउन एरिया में मिल सकता है, स्ट्रीट लाइट जहां पर आपको यूज देना हो वहां पर यूज करते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आपका क्या है, पीएसएसएस पावर सब स्टेशन है 33/11 kV। ये 33 को 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है ये पावर ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर जो 11 kV लाइन है ये हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, ये डीटीआर स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पर ये गया और यहाँ से आपका थ्री फेज और एक न्यूट्रल का, ये आपका हमारा जो घर है वहां पर आपका एलटी लाइन का कनेक्शन आ गया। तो ये आपका कौन सी लाइन हो गई दोस्तों, ये आपकी एसटी लाइन हो गई। एसटी लाइन क्या होता है, 11 kV लाइन से स्टार्ट होता है और 33 kV तक की लाइन को क्या बोलेंगे, एसटी लाइन बोलेंगे। और एलटी लाइन जो बोलेंगे वो अगर थ्री फेज कनेक्शन है आपका तो आप बोलोगे 440 वोल्ट, अगर सिंगल फेज कनेक्शन है तो क्या बोलोगे, सिंगल फेज कनेक्शन है तो आपका 230 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर एक चीज और देखो आप, अगर लो टेंशन लाइन है, अगर आपने देखा होगा या आपने काम किया होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है आप कितने दूर तक एलटी लाइन खींचे होंगे, अगर 200 केवी का है तो ज्यादा एलटी लाइन की लेंथ जो थोड़ी लंबी हो जाती है, जैसे 2 किलोमीटर 2.5-3 मैक्सिमम हो जाते हैं। तो अगर 200 kV का ट्रांसफार्मर है तो 200 तक चला गया, 2.5 काफी है। तो इसका जो एक लेंथ देखेंगे एलटी लाइन का तो शॉर्ट स्पैन का होता है, कम लेंथ भी होता है, शॉर्ट स्पैन भी होता है इसमें एलटी लाइन में। दो पोल के बीच का स्पैन जो होता है कम भी होता है और नंबर ऑफ पोल भी कम लगते हैं और डिस्टेंस भी कम होते हैं, मतलब लेंथ की बात किया जाए टोटल लेंथ एलटी लाइन की कोई भी ट्रांसफार्मर तो कम होती है। बट अगर एसटी लाइन की बात करें, जैसे 11 केवी की लाइन की बात करें, तो ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 50 60 100 ऐसे ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं एसटी लाइन 11 केवी लाइन। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से एसटी लाइन और एलटी लाइन क्या होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, गुड लक, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आप लोग के लिए ले आऊंगा। Thank you for watching my video.